नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो शाम का टाइम हो गया है और आज है 28 अक्टूबर। तो शाम का टाइम है और आज मेरा पूरा दिन निकला है साफ़ सफाई में। तो कल जब आपने देखा था तो आपको पता भी लग रहा होगा कि आज साफ़ सफाई हो रखी है। तो आज सुबह से 5 बजे से मैं साफ़ सफाई में लग रही हूँ और 2 या 3 बजे मैं जाके सफाई से फ्री हुई हूँ। हालांकि प्रॉपरली अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि बेसिकली जो सफाई होती है वो मैंने कर दी है। अब यह है कि थोड़ा थोड़ा झाड़ पूँछ रह जाती है और अब आगे त्यौहार तो है ही, तो इसीलिए भी अब सफाई करनी ज़रूरी है। और 2-2.5 महीने बाद मैं वापस आई थी और यही यहाँ पे थे तो इनसे नहीं हो पाती। और काफ़ी दिनों से इनकी तबीयत भी ख़राब है, इनको टाइफाइड फीवर हो रखा था, तो अभी भी ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो फिर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या सफाई की है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं किचन में। तो किचन में मैंने कर दी है सफाई सारे में। तो जो इधर की साइड है ये वाले हैं जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतों के जो सामान है वो यहाँ मैंने रखे हुए हैं, जैसे कि मसालेदानी है, चाय पत्ती, चीनी, घी, तेल। तेल मतलब नीचे रखा हुआ है, इनमें एक में रिफाइंड है यहाँ पर और एक में सरसों का तेल है। तो और इधर की साइड मतलब खाली ही है यहाँ पे। और इस साइड मैंने रखे हुए हैं राशन के डब्बे और ऊपर की तरफ जो है वो मटका वगैरह रखा हुआ है। गर्मियों में हम मटके का पानी पीते हैं, फ्रिज में नहीं रखते, क्योंकि मतलब एक तो सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है और कोरोना करके भी इस बार तो फ्रिज का पानी मना ही था। तो डब्बे मैंने इस साइड इसलिए रखे हैं क्योंकि अगर उस साइड रखते हैं तो वहाँ पर फिर जो है चिकनाई वगैरह जो है धुआं सब कुछ बर्तनों पे ऊपर लगता है, डब्बों पे लगता है, तो वह फिर साफ नहीं हो पाते। तो इसीलिए मैंने एक साइड इनको रखा है जिससे कि ये धुएं से बचे रहे और साफ रहे। और मैं आपको दिखाऊं तो ये डब्बे बहुत सुंदर है, मतलब एकदम क्लियर है। मैंने इनको ऑनलाइन ही लिया था और गांव में जाने से पहले मैंने इनको खरीदा था, लेकिन मुझे इनको यूज करने का नहीं मिला टाइम। तो अब मैं जब वापस आई हूँ तो अब सारा साफ सफाई की है तो मैंने अब इनको निकाला है। तो राशन भी आज ही मंगवाया है मैंने, 2 दिन से तो राशन नहीं मंगवाया था और जब हम गए राशन भी हमारा खत्म हो गया था। तो हमने सोचा था कि चलो जब वापस आएंगे तो तब हम राशन ले लेंगे। तो डब्बे यहाँ पर रख दिए हैं और बाकी जो कभी कभार का सामान है जरूरतों का वो मैंने ऊपर रख दिया है। इस साइड ही आरओ है हमारे किचन में और एक ये विंडो में बर्तनों की रैक लगवाई हुई है। हालांकि ये रैक अब हम चेंज करेंगे क्योंकि ये एक तो काफ़ी बड़ी है, बर्तन इतने नहीं है और ये एक भारी बहुत है, तो जो कील वगैरह लगाते हैं इस पर तो ये उसको सपोर्ट नहीं दे पाती और गिर जाती है। तो अभी बस इसको हम चेंज करके लाएंगे दूसरी। और यहीं पर ही किचन में रखा हुआ है फ्रिज हमने। और इधर की साइड नीचे, तो नीचे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा राशन होता है वो इस डब्बे में मैंने रखा हुआ है। इसमें चीनी है और उसमें चावल है, नए चावल आए हुए हैं, अब खिचड़ी के जो चावल बोलते हैं नए चावल है वो उसमें है। और उधर अचार रखा हुआ है। और अगर अगली उसमें दिखाऊंगा आपको तो यहाँ इधर कोने में मैंने गैस सिलेंडर रखा हुआ है, उधर भी चावल हैं जो रोज़मर्रा के चावल बनाने के होते हैं वो हैं, और वहाँ चीनी ही है क्योंकि मैंने चीनी कट्टे में मंगवाई थी, थोड़ी थोड़ी सी रोज़ रोज़ नहीं मंगवाई जाती इसलिए मैंने एक बार ही मंगवा ली थी, तो उसमें जो बची हुई है वो उसमें रखी हुई है। और ये है आटे की बाल्टी। और इस साइड मैं आपको दिखाऊँ नीचे की साइड, तो ये है सब्जियों की रैक, ऊपर इसमें प्याज है और नीचे आलू है। और उधर साइड में जो बड़े बर्तन हैं जो कुकर वगैरह है वो मैंने वहाँ पर रखे हुए हैं, और भी छोटे छोटे से सामान वही है। और जो ये नीचे शीट है मैंने आपको दिखाऊं, इधर भी और ऊपर भी मैंने ये जो शीट है ये भी ऑनलाइन ही मंगवाई थी, तो ये चिपक जाती है सारे में, वो मैंने इसीलिए ऊपर वाले स्लेब पे भी, इस पे भी और सबसे नीचे भी मैंने यही लगाई है। इसका फायदा ये है कि तो इसको साफ करना आसान है और दूसरा फिर ये सरकती नहीं है, क्योंकि बर्तन रखते हैं आगे पीछे करते हैं तो सरकती रहती है। तो किचन यही है। और जो ये स्टिकर वगैरह लगाए हुए हैं ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए थे, ये पीछे वाला भी और ये भी, तो ये भी देखे काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और इधर ये एक छोटी सी रैक है, इसमें कप वगैरह रखे हुए हैं मैंने, और जो छोटे छोटे से नमक मिर्च के मसाले हैं, चॉपर वगैरह है, वो भी मैंने इसी में ही रखा हुआ है। तो बाकी अभी तो किचन खाली है और मैं सही में बताऊँ मुझे भरा हुआ किचन ज़्यादा पसंद भी नहीं है। तो ये हो गया था किचन, और किचन के ही साथ लगता हुआ है मेरा बेड।
यानी कि बेडरूम, और सिंपल सा ही बेडरूम है मेरा, सिर्फ एक बेड पड़ा है। उस साइड एक अलमारी है जो कि चढ़वाई हुई है, और इसमें कपड़े हैं मेरे और बच्चों के, इसमें कपड़े हैं। और इस साइड ये एक विंडो है, तो ये बाहर गली की तरफ खुलती है विंडो, लेकिन हम बंद ही करके रखते हैं। और ये बेड है बीच में, और एक अलमारी ये है हमारी। तो इस अलमारी में कृष्णा के डैडी के कपड़े रहते हैं, उनका सामान रहता है, और बाकी जो मतलब कभी कभार आने वाले कपड़े हैं, काम आने वाले कपड़े हैं, वो मैंने बेड में रखे हुए हैं। और अब ये एक हील एरिया है जहाँ हम रहते हैं, तो यहाँ पर रात को बहुत ठंड होती है, तो इसलिए अब हम लोग कंबल ओढ़ते हैं। और पंखे का तो आप पूछे ही मत, पंखा तो चलेगा ही नहीं। तो एक रूम ये हो गया है, और एक रूम हो गया है ये, दूसरा रूम ये है। तो यहाँ बच्चे कर रहे हैं मस्ती, और इसी तरह जैसे उस रूम में है, इसी तरह की एक अलमारी यहाँ पर है। और ये है मेरे ससुर जी, आपने शायद इनको पहले भी देखा होगा, तो ये इनकी फोटो है पापा जी की। तो और बाकी बस सिंपल सा ही है, एक बेड इसमें पड़ा हुआ है, उधर एक टेबल हमने रखी हुई है, उस पर जो बिस्तरे हैं हमारे ओढ़ने बिछाने के वो हमने रखे हुए हैं, जो तकिए हैं इन पे अभी कवर मैंने इनके धोए हैं आके, क्योंकि गंदे हो रखे थे सारे ही, इन्होंने यूज कर करके डाले हुए थे। तो और बच्चे उधर लगे हुए हैं, और इसी कमरे में मैंने मंदिर लगाया हुआ है। तो कमरा भी मतलब ये हमारे दो रूम है यहाँ पे, और ये है हमारा चौक। तो चौक तो हमारा अच्छा बड़ा है, लेकिन खाली है, क्योंकि इसमें बेड वगैरह भी नहीं है या दीवान वगैरह नहीं है। हम सोच रहे हैं कि लेंगे, लेकिन आपको पता ही है कि मिडिल क्लास फैमिली में कोई भी चीज़ लेना इतना आसान नहीं होता, बहुत ही सोचना समझना पड़ता है, बजट बनाना पड़ता है, और फिर उस बजट के हिसाब से काम करना पड़ता है, तब जाके कहीं पर कोई चीज़ घर में आती है। तो इसीलिए एक एक गद्दा है, इसको मैंने यहाँ पर डाल के रखा हुआ है, जिससे कि मतलब बैठ जाए हम लोग बाहर। और बाहर पे ही मैंने ये टीवी लगाया हुआ है, जिससे कि जो भी आए वो बाहर ही बैठा रहे, अंदर जाने की कोई मतलब खास ज़रूरत ना पड़े। तो इसीलिए जब हम खाना वगैरह यहीं चौक में ही बैठ के खाते हैं, नीचे ही बैठते हैं, और टीवी भी यहीं पे ही चलता रहता है। तो और इस साइड भी मतलब हमारे घर के दो गेट हैं, ये है विंडो एक साइड की, और ये है छोटा गेट, यहाँ पर ये छोटा गेट है। तो हमारे घर के तीन तरफ जो है वो सड़क है, और एक साइड हमारी कवर है मकान से, और ये इधर हमारा बड़ा गेट है। उस साइड पे एक टॉयलेट है, एक बाथरूम है, और ये ऊपर जा रही है सीढ़ियाँ हमारी, और ये सीढ़ियों के नीचे थोड़ी सी जगह है, तो यहाँ पर मैं अपना जो सिलेंडर वगैरह है, इन्वर्टर वगैरह, वो रखे हुए हैं। और जो उस साइड है वो है एक कमरा है, जहाँ पर कृष्णा के डैडी काम करते हैं, तो मैं उस कमरे में नहीं जाती हूँ, ये सिलाई वगैरह वहीं पे ही करते हैं, अपनी वीडियोज़ वगैरह वहीं पे ही बनाते हैं इसी रूम में, तो मैं अंदर नहीं जाती हूँ, क्योंकि उनका सामान रखा रहता है, तो इसीलिए फिर कभी गुम हो जाता है तो मैं वहाँ पर नहीं जाती। तो कुल मिला के ये मेरा छोटा सा घर है, और ये वॉशिंग मशीन है हमारी, तो ये है हमारा घर, बस इतना सा ही है। टू रूम है पीछे, और एक किचन है, टॉयलेट बाथरूम है, और एक एक्स्ट्रा रूम है, और चौक है। तो ये हमारा खुद का अपना रूम है, मतलब यहाँ पर हमारा खुद का लिया हुआ है। मेरी बहन है वो यहाँ से थोड़ी दूर रहती है, उनका भी खुद का अपना है जिसमें वो रहते हैं। तो अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, और शाम को मैं बनाऊंगी खिचड़ी, क्योंकि कृष्णा के डैडी की मैंने आपको बताया जैसा कि तबीयत ठीक नहीं है, उनको टाइफाइड है, तो उनको रोटी वगैरह ज़्यादा खाने को मना किया है, तो इसीलिए उनके लिए फिर मैं खिचड़ी बनाऊंगी, और कृष्णा भी खिचड़ी बहुत शौक से खाता है, बच्चे भी खाते हैं, और फिर मैं अकेली रह जाऊंगी तो फिर उसके लिए मैं क्या बनाऊँ, तो इसीलिए मैं सबके लिए खिचड़ी बनाऊंगी। तो फिर आज का ये वीडियो मैं यहीं पर ही रोकूंगी, आज का ये होम टूर व्लॉग समझ लीजिए आप, हाउस क्लीनिंग व्लॉग समझ लीजिए। और शायद आप लोगों को ये शिकायत रही होगी कि मैंने जब मैं गाँव से वापस आई हूँ तो मैंने जो है अपने मतलब सफ़र का व्लॉग नहीं बनाया, तो उसका एक रीज़न ये है, मेन रीज़न ये है कि सफ़र के दौरान मुझे वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, उल्टी होती है, और मेरे बच्चों को भी यही समस्या है, तो इस वजह से मैं रास्ते में कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। जैसा जिनको समस्या है इस ये वाली, तो वो समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और मतलब जैसे सफ़र से एक दो दिन पहले से ही मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, इसीलिए पिछले तीन दिन से व्लॉग नहीं आया था, कल व्लॉग आया था,
तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप लोग सब लोग मेरी समस्या को समझेंगे। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।